आज भारत गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को ज्ञान और अध्यात्म के इस पर्व की बधाई देता हूं। ऐसे अहम दिन आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और भारत में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और स्वाभाविक है कि मेरे सहित सभी देशवासियों को इसकी विशेष खुशी है। मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया से आए सभी डिग्निटरीज और अतिथियों का स्वागत करता हूं। खास तौर पर मैं यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजुले का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है हर ग्लोबल आयोजन की तरह ये इवेंट भी भारत में सफलता के नए कीर्तिमान घड़ेगा। साथियों, अभी मैं विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी भी देख रहा था। बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना ये वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। यहां इमर्सिव एग्जीबिशन भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोईदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोईदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। हमने देखा है विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन
भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, दुनिया दिल्ली को भारत की कैपिटल सिटी के रूप में जानती है, लेकिन ये शहर हजारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी है। यहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ही कई टन का एक लोह स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो 2000 वर्षों से खुले में खड़ा है, फिर भी आज तक रस्ट रेजिस्टेंट है। इसे पता चलता है कि उस समय भी भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। स्पष्ट है कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहां दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। आज भी वो जगह भौगोलिक रूप से इतनी दुर्गम है कि लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। साल के ज्यादातर समय बर्फबारी की वजह से वहां काम होना पाना असंभव है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदार घाटी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। उसकी इंजीनियरिंग में कठोर वातावरण और ग्लेशियर का पूरा ध्यान रखा गया। यही नहीं, मंदिर में कहीं भी मोर्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो मंदिर आज तक अटल है। इसी तरह दक्षिण में राजा चौल द्वारा बनाए गए बृहदीश्वर मंदिर का भी उदाहरण है। मंदिर का आर्किटेक्चरल लेआउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइमेंशंस मंदिर की मूर्तियों, मंदिर का हर हिस्सा अपने आप में आश्चर्य लगता है। फ्रेंड्स, मैं जिस गुजरात राज्य से आता हूं, वहां धोलावीरा और लोथल जैसे स्थान है। धोलावीरा में 3000 से 1500 BCE पहले जिस तरह की अर्बन प्लानिंग थी, जिस तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और व्यवस्थाएं थी, वो 21वीं सदी में भी एक्सपर्ट्स को हैरान करते हैं। लोथल में भी दुर्ग और लोअर टाउन की प्लानिंग, स्ट्रीट और ड्रेन्स की व्यवस्था, ये उस प्राचीन सभ्यता के आधुनिक स्तर को बताता है। फ्रेंड्स, भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बोध से कहीं ज्यादा प्राचीन और व्यापक है। इसलिए जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इतिहास का वैज्ञानिक वेरिफिकेशन हो रहा है,
हमें अतीत को देखने के नए दृष्टिकोण विकसित करने पड़ रहे हैं। यहां मौजूद वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिले सबूतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सिनौली की फाइंडिंग्स कॉपर एज की हैं, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह वैदिक सिविलाइजेशन से मेल खाती है। 2018 में वहां एक 4000 साल पुराना रथ मिला है, वो हॉर्स ड्रिवन था। ये शोध इन नए तथ्य बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। हम दुनिया में कहीं भी किसी भी हेरिटेज को देखते हैं तो हमारा मन वर्तमान के जियोपॉलिटिकल फैक्टर से ऊपर उठ जाता है। हमें हेरिटेज के इस पोटेंशियल को विश्व की बेहतरी के लिए प्रयोग करना है। हमें अपनी विरासतों के जरिए दिलों को जोड़ना है। और आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग के माध्यम से भारत का पूरे विश्व को यही आह्वान है, आइए हम सब जुड़े एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम सब जुड़े मानव कल्याण की भावना के विस्तार के लिए। आइए हम सब जुड़े अपनी हेरिटेज को संरक्षित करते हुए टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाने के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। भारत की संस्कृति स्वयं की नहीं वयम की बात करती है। भारत की भावना है नॉट मी रादर यस। इसी सोच के साथ भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण का साथी बनने का प्रयास किया है। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिवस मनाता है। आज आयुर्वेद विज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये योग, ये आयुर्वेद, ये भारत की वैज्ञानिक विरासत है। पिछले साल हमने G20 समिट को भी होस्ट किया था। इस समिट की थीम थी
वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली? इसकी प्रेरणा हमें वसुधैव कुटुंबकम के विचार से मिली। भारत फूड और वाटर क्राइसिस जैसे चैलेंजिंग के लिए मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है। हमारा विचार है माता भूमि ही पुत्र अहम पृथ्वी यह, अर्थात ये धरती हमारी मां है, हम उसकी संतान है। इसी विचार को लेकर आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। साथियों, भारत वैश्विक विरासत के इस संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। इसलिए हम भारतीय विरासत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों में भी हेरिटेज संरक्षण के लिए सहयोग दे रहे हैं। कंबोडिया के अंकोरवाट, वियतनाम के चाम टेम्पल्स, म्यांमार के बागान में स्तूप, भारत ऐसी कई धरोहरों के संरक्षण में सहयोग दे रहा है। और इसी दिशा में आज मैं एक और अहम घोषणा कर रहा हूं, भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्रांट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन में प्रयोग होगी। विशेष रूप से ये पैसा ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। भारत में युवा प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रोथ में बड़ा फैक्टर बनेगी। साथियों, आखिरी में मैं विदेश से आए सभी मेहमानों से एक और अनुरोध करूंगा, आप भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। हमने आपकी सुविधा के लिए आइकॉनिक हेरिटेज साइट के लिए टूर सीरीज भी शुरू की है। मुझे विश्वास है ये अनुभव आपकी इस यात्रा को यादगार बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।